नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। करौली जिले के डांग क्षेत्र में LNT चालक को बंधक बनाकर नाक में नकेल डालने और पेशाब पिलाने का अमानवीय कृत्य करने के आरोपी डकैत रामलखन गुर्जर का मुख्य साथी श्रीनिवास को गिरफ्तार करने में करौली जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपी से 315 बोर सिंगल शॉट गन व 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। SP प्रीति चंदा के निर्देशन में मासलपुर थाना अधिकारी युधिष्ठर ने करौली धौलपुर में 10,000 के इनामी डकैत श्रीनिवास को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ हत्या, लूट, फिरौती सहित कई मामले पहले से ही दर्ज है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। डांग क्षेत्र के मासलपुर थाना क्षेत्र में अभी एक हफ्ते पहले आप सभी के ध्यान में ये इशू होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बड़ी ही अमानवीय घटना एक LNT ड्राइवर के साथ की गई थी और इस बाबत मासलपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो ये कृत्य करने वाले जो दस्यु थे वो इनामी बदमाश थे, कई ज़िलों में और कई राज्यों में भी। पहले से ही हमारे भी ज़िले में ये इनामी बदमाश थे। इनमें से एक बदमाश को हमारे मासलपुर थाने पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। और जब ये वीडियो वायरल हुआ था और घटना की गंभीरता और इस संगीन अपराध को देखते हुए हमने एडिशनल SP करौली के नेतृत्व में हमने कई टीमों का गठन किया था। उन्हीं के नेतृत्व में मासलपुर थाना SHO युधिष्ठर जो हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ इस दस्यु को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड की उपजिला कलेक्टर सुमन मीणा ने कहा कि पेंशन में पालनहार योजना के तहत पंचायतों में चलेगा अभियान, जिसके तहत गरीब, निर्धन, एकल, नारी, वृद्ध, विधवा पेंशन योजना के तहत पात्र महिला और पुरुषों के समय पर पेंशन फॉर्म भरने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जिन लोगों की पेंशनें बंद हैं उन्हें भी दोबारा पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही पालनहार योजना का क्षेत्र में व्यापक रूप से अभियान चलाया जाएगा। उपखंड कार्यालय में वार्ता के बाद उपजिला कलेक्टर सुमन मीणा पहुंची, पंचायत समिति सभागार और सभी अधिकारियों की बैठक आयोजित की और योजना को प्रभावी करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। 4,335 आबादी, 385 पेंशनर, 8.88। काकनवाणी 6,501 आबादी, 573 पेंशनर, 8.81%। तो एक तो इस टाइप के बच्चे मिल जाएंगे, एक ऐसे जिनके यहाँ पे डेथ भी 45-50 की एज में ऑलमोस्ट लोगों की हो जाती है, तो एक वो वाले मिल जाएंगे, तो उसको अपन पालनहार में कवर कर सकते हैं। और 50 से ऊपर की वृद्धा महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको हम पेंशन में कवर कर सकते हैं। तो अपने जो 9% का जो टारगेट है वो अपना 15% अचीव करना है, अपने को टारगेट दिया अपने को, तो उसके लिए एक अभियान के रूप में करो आप उसको। हाँ, तो आप अपने लेवल पे भी सर्वे करवाओ डोर टू डोर। तो आप ये तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह करती हूँ काम? मैं हमारा तो स्टाफ ही नहीं है, फिर कैसे काम करोगे बताओ? पंचायत समिति से ही है। हाँ, आज की पंचायत समिति में मीटिंग भी है, तो पंचायत समिति के थ्रू करो भाई। कैसे भी हो, जो आदमी को जरूरत है उस तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, ठीक है, फिर भी बहुत सारे लोग इसमें कवर ही नहीं हो रहे। वो हमारी गलती से भाई, हमने सर्वे नहीं किया, चिन्हित नहीं किया, उन लोगों को तो पता ही नहीं कि उनको पालनहार मिल सकता है। 890 गोपालपुरा, 3,543, 315 पेंशनर, 8.89। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय में 3 दिवसीय खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन समारोह हुआ, जिसमें आखिरी दिन वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के तत्वावधान में प्रतिवर्ष खेल सप्ताह का आयोजन होता है, जिसमें युवाओं में शारीरिक दक्षता के विकास के लिए इस खेल उत्सव को मनाया जाता है, जिसमें साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ खेल की गतिविधियां भी संपन्न की जाती है।
कुशलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में स्थित चमत्कारी भैरव मंदिर की शिखर स्थापना के 3 वर्ष पूरा होने पर विशाल भंडारे का आयोजन भैरवनाथ सेवा समिति द्वारा किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। आइए देखते हैं समिति के कार्यकर्ताओं का इस बारे में क्या कहना है। कामना सिद्ध है। कुशलगढ़ के जो प्राचीन में काला घोरा भैरव मंदिर है, यहाँ पर दूर दराज से भक्त लोग आते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही यहाँ नगर के जन सहयोग एवं भक्तों भैरव भक्तों की ओर से यहाँ पर आज से 3 वर्ष पूर्व शिखर बनाया था और उसकी जो आज इसकी वर्षगांठ मना रहे हैं, तीसरी वर्षगांठ हम सभी, और यहाँ पर एक विशाल पैमाने पर सामूहिक भंडारे का आयोजन किया गया है। पाली जिले के मारबाज जंक्शन उपखंड क्षेत्र के सियरिया थाना क्षेत्र के निकट स्कूली बच्चों को लेकर आ रही एक बालक वाहनी बस असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 27 विद्यार्थी घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया और गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के नदबई में राजस्थान शिक्षक संघ के तत्वाधान में गांधी पार्क से एसडीएम कार्यालय तक पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर शिक्षक संघ के कर्मचारियों ने रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। गांधी पार्क से और एसडीएम कार्यालय तक पुरानी पेंशन की मांग हेतु एसडीएम साहब के मार्फत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ज्ञापन सौंपा है कि जल्द ही नई पेंशन स्कीम को बंद करके दोबारा से पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। इस स्कीम से लगभग 4 लाख शिक्षक कर्मचारी, इतने ही लगभग अन्य कर्मचारी नुकसान में है। देखा जाए तो बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया हमारा, और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस ओर कदम उठाए और एनपीएस को बंद करके दोबारा से वही पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर के परस्पर गार्डन में सालासर बालाजी पर हुआ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन, जिसमें पागल बाबा ने भजनों के माध्यम से भक्तों का मन मोह लिया। साथ ही कलाकारों ने शिव शंकर और पार्वती के रूप में मनमोहक नृत्य किया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। ये थी आज की ताज़ा खबरें। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।